बरेली जिला कलेक्ट्रेट सभागार में महिला जन सुनवाई और नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल बतौर कार्यक्रम की अध्यक्ष मौजूद रहीं, जिन्होंने बरेली की हिंसा पीड़ित महिलाओं की बड़ी संख्या में सुनवाई की। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य ने संबंधित अधिकारियों को हिदायत देते हुए महिलाओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को फिजूल के चक्कर ना लगवाया जाए। महिला कल्याण विभाग के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री खासी रुचि ले रहे हैं, जिसकी वजह से महिला कल्याण विभाग महिलाओं की समस्याओं के समाधान में सबसे आगे है और इसका लाभ दिखाई दे रहा है। नारी चौपाल कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं को मिथिलेश अग्रवाल ने जागरूक करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से वह अपना जीवन संवार सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में महिलाओं और अधिकारियों से सुझाव भी लिए गए। वहीं इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग की उपनिदेशक नीता अहिरवार, महिला थाना अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उपनिदेशक नीता अहिरवार ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों को विवेचना के लिए लगाया गया है, इससे विवेचना में काफी तेजी आई है और महिलाएं अपना दुख दर्द सुनाने में कोई झिझक या परहेज नहीं करेंगी। देखिए, आज जो हमारी राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा दो चरण में ये कार्यक्रम करने के निर्देश थे कि पहले वो जो हमारी बरेली की NGOs हैं जो महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके साथ मीटिंग आयोजित की गई है। तो अभी मीटिंग आयोजित है जिसमें NGOs के एक्सपीरियंस, उनके सुझाव और क्या यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं और बेटर कैसे महिलाओं को हम लोग और सहायता देंगे, इसके बारे में मैम की मीटिंग चल रही है। साथ ही आपने देखा कि आज निराश्रित महिला पेंशन, समाज कल्याण से वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी के बढ़ा करके दुगनी की गई है। इसमें 5 लाभार्थियों को मैम के द्वारा आज सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रदान किया गया है, जो निराश्रित महिला पेंशन की हैं, और महिलाएं आज बहुत खुश हैं कि उनकी धनराशि डबल हो गई है। जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो भी 1 बजे से प्रारंभ होगा, तब फिर पता चलेगा कि कितनी शिकायतें आज हमारे बीच में आई हुई हैं। ये 2 फेज में रखा गया है प्रोग्राम, एक महिला सशक्तिकरण, तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि NGOs को इस बार बुला लेते हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जिससे कि सारे NGOs मिलकर जितनी भी सरकारी योजनाएं उनको जान सकें और उन्हें जनता तक पहुंचा सकें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचे। कितने लोगों को अभी सर्टिफिकेट दिया है? अभी 5 लोगों को दिया गया है। किस तरीके की धनराशि दी गई पहले से बढ़ा था? 500 रुपये बढ़ाया गया, पहले 500 था, 1000 हो गया। करेली की ज्योति ठाकुर हैं जो कि निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती हैं, एक मंदिर है वहाँ पर तमाम 200-250 बच्चों, उनके लिए क्या विशेषता है? नहीं, वो बातचीत करेंगे, कुछ हो सकता है तो करेंगे जरूर, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है वो।